ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। अब देखो, अगर WWE का लंबा चौड़ा पेपर व्यू है, उसमें से भी सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू है और यहाँ पर बहुत चीज ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक दो नहीं बल्कि 10 ऐसे बहुत चीज के बारे में जो कि हमें इस पेपर व्यू से देखने को मिले। और ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, सबसे पहले बॉच के ऊपर आते हैं जो कि काफी अजीब सा था और ये सुपरस्टार्स की तरफ से नहीं था बल्कि ये प्रोडक्शन की तरफ से कोई गलती थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा शायद, पता नहीं, कि जब रिकोशे का वो प्रोमो चल रहा था किक ऑफ शो के दौरान जहां पर वो बात करते हैं ब्रॉक लेसनर को हराने की, तो वहां पर हमें अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। पहले तो समझ नहीं आया कि वो आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन गाइज हुआ यह था कि जो किक ऑफ पैनल पर चार्ली करूसो थी जहां पर डेविड ओटुंगा भी उनके साथ थे, तो गाइज वहां पर जो उनके माइक्स हैं वो म्यूट करना WWE के प्रोडक्शन वाले बंदे भूल गए थे और उस प्रोमो के दौरान हमें वहां पर उनकी आवाजें बार बार सुनने को मिल रही थी। लेकिन बहुत जल्दी WWE ने इस चीज को फिक्स भी कर लिया था। हमें किक ऑफ शो के अंदर से ही जहां पर मैच था वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन का, यहां पर भी बहुत चीज देखने को मिलते हैं। एक तो वो वाला था जो कि आईवार की तरफ से था, जो कि यूजुअली वो काफी अच्छा करते हैं, जो वो हैंड स्टैंड करके डबल क्लोज लाइन मारते हैं, लेकिन उस बार वो थोड़ा सा बॉच हो गया क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि जो आईवार हैं वो स्टक हो गए। और मैच के फिनिश की बात करें तो जब आईवार को फिनिशर पड़ता भी है तो ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन को देखकर ऐसा लग रहा था कि एक की ट्रेन जो है बहुत जल्दी भाग रही है, दूसरे की बहुत ही स्लो है। इतना बॉच ही फिनिश नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहां पर भी हमें बॉच देखने को मिलता है। आर्ट्रूथ की बात करें तो गाइज यहां से भी हमें देखने को मिलती है एक चीज, जब बॉबी लैशली ने काफी ब्रूटली अटैक किया आर्ट्रूथ के ऊपर, तो गाइज वहां पर अनइंटेंशनली जो है खून निकल जाता है आर्ट्रूथ के। आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके आंख के नीचे से जो है उनके गाल वाली स्किन के ऊपर खून निकल रहा था। और जब जब हम लोगों ने देखा कि आर्ट्रूथ मैच रेसल कर रहे थे आगे भी, तो उस चीज से उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वहां पर बार बार जो रेफरी है वो आ रहा था, उस ब्लड को वो साफ कर रहा था। हालांकि ये चीज WWE के अंदर काफी कॉमन है और सुपरस्टार्स इसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर जरूर करके रखते हैं। मंसूर और जिगलर के मैच की बात करें तो इस मैच का फिनिश जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था जिगलर के लिए, क्योंकि मंसूर का जो फिनिशर है आपको पता ही होगा कि वो मून सॉल्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो उसे मॉडिफाई करवा के आ चुके हैं, क्योंकि इस बार जो मून सॉल्ट था वो बिल्कुल परफेक्शन से नहीं था, उल्टा बहुत ही स्कैरी तरीके से जो मंसूर है वो लैंड होते हैं जब उनके नी सीधा रिब्स पर जाकर लगती है जिगलर के, और रिब्स के क्रैक होने के चांसेस आपको पता है कि काफी हाई होते हैं। हम यहां पर होप करते हैं कि जिगलर जो है पूरी तरीके से फिट हो और उनके साथ इंजरी वाला कंसर्न बिल्कुल भी ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सुपरस्टार्स हैं इस बार उनकी फ्लाइट का कोई भी इशू नहीं हुआ है और वो बहुत ही आराम से US के लिए निकल भी चुके हैं रियाद से। रोमन रेंस और कॉर्बिन के मैच की बात करें तो इस मैच से मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको बताया कि ज्यादा थी। बेकार मैच नहीं था, लेकिन उतना कमाल का भी नहीं था जितना स्टील केज के हिसाब से ये होना चाहिए था। लेकिन गाइस एक स्पॉट हम लोग क्या देखते हैं कि जब कॉर्बिन और रोमन रेंस जो है स्टील केज पर ऊपर होते हैं और वो जो है पंचेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो उस समय जो कैमरा एंगल है वो कुछ ऐसा होता है जो कि हमें ऐसा दिखा रहा था कि जैसे कि रोमन रेंस और कॉर्बिन के जो पंचेज वो बिल्कुल ही फेक हैं, क्योंकि आपको पता है यूजुअली जो है कैमरा मूवमेंट काफी ज्यादा होती है जब पंचेस पड़ते हैं ताकि जो पंचेस हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक लगें। लेकिन इस बार वो कैमरा था इस जगह से बिल्कुल स्टील केज के पीछे से वो आ रहा था, तो जो वहां पर कैमरामैन था उसने इतना ज्यादा कैमरा शेक नहीं किया, जिसकी वजह से रोमन रेंस और कॉर्बिन के जो पंचेस थे वो वहां पर काफी ज्यादा फेक लग रहे थे। बेली और नेओमी ऐसा मैच जिसको WWE चिल्ला चिल्ला के बता रही थी कि ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाला मैच ऐसा मोमेंट है, लेकिन इस पूरे मैच की बात करें तो ये काफी ज्यादा स्लॉपी मैच था। सुपरस्टार्स बहुत ही यहां पर लेजी में नजर आ रहे थे। इस मैच में तो काफी सारे ऐसे स्पॉट्स थे जहां पर समझ नहीं आ रहा था कि सुपरस्टार्स कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि बस वो आ रहे हैं एक दूसरे का मूव लगा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि मूव अच्छे से एग्जीक्यूट हो भी पा रहे हैं नहीं, कोई एक मूवमेंट तो नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, इस मैच के अंदर हमें काफी सारे बॉचेस देखने को मिलते हैं। द डेड मैन अंडरटेकर की बात करें जिन्होंने डेफिनेटली हमें सरप्राइज किया सुपर शोडाउन में, लेकिन उन्होंने अपना मूव एक परफॉर्म किया जो कि है चोक स्लैम और वो लगाया था उन्होंने एजे स्टाइल्स को। अब पर्सनली मैं बताऊं तो मैं इसको ज्यादा बॉच की तरह नहीं देखता, लेकिन जो काफी सारे WWE फैंस हैं उनका मानना यह है कि जब हवा में थे एजे स्टाइल्स वहां पर काफी ज्यादा स्टेबल नहीं थे अंडरटेकर और किसी तरीके से वो इस वाले मूव को डिलीवर कर पाया। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि अंडरटेकर जब इस मूव को लगा रहे हैं तो वो ऐसा दिखा रहे थे कि जैसे कि वो बहुत ही बुरी तरीके से एजे स्टाइल्स को हिट कर रहे हैं जितना हार्ड वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैंस के हिसाब से ये वाला जो मूव है वो एक बॉस था। वेल, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि इस मूव के बारे में आप लोग क्या सोचते हो। गोल्डबर्ग की बात करें तो भाई शुरुआत से लेकर एंड तक यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें भी जो कि इस वीडियो में मैं ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो उनकी एंट्रेंस जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उनकी एंट्रेंस काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इस बार वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई जब पायरोस वगैरह ही नहीं चले और पायरोस के नाम पर वहां पर कुछ फुस पटाखे थे। उसके बाद हमने जो शो की एंडिंग देखी वहां पर भी बॉस था और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जैक हैमर के बारे में। इस बार गोल्डबर्ग ने ज्यादा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, मतलब जैसे जब वो यूजुअली जैक हैमर लगाते हैं तो वो सुपरस्टार को काफी लंबे टाइम तक सीधा ऊपर टांग देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिंपली जैक हैमर के लिए उठाया और पीछे जाकर पटक दिया और इस तरीके से वो हमारे बन गए थे यूनिवर्सल चैंपियन। अब बात करूं सबसे बड़े बॉस की या फिर आप लोग कह सकते हो मिस्टेक की, और वो थी इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना, जिसको हर तरफ लोग जो है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इसके पीछे आपको रीजन पता है कि फैंस ये बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे कि फीन जो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाए
हैं वो भी रेसलमैनिया 36 से पहले। एटलीस्ट फैन चाहते थे कि अगर डब्ल्यू डब्ल्यू फिंड को स्ट्रॉन्ग दिखा रही है तो वो रेसलमैनिया 36 तक यूनिवर्सल चैंपियन बनकर जरूर जाएं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू की मिस्टेक है अगर हम इस वाले एंगल से सोचें कि डब्ल्यू डब्ल्यू फिंड को अनडिफीटेड उनको रखना चाहिए था सुपर शोडाउन में, गोल्डबर्ग के हाथों उनकी हार नहीं होनी चाहिए थी। तो गाइस इस तरीके से ये थे 10 ऐसे बॉचेस और मिस्टेक्स जो कि हमें सुपर शोडाउन पेपर व्यू से देखने को मिले। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इसके अलावा आप लोगों ने और क्या क्या नोटिस किया सुपर शोडाउन से। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।